किसानों को राहत, हिमाचल में इस बार 1000 टन अधिक आएंगी ये खाद। हिमाचल प्रदेश में किसानों को गेहूं, बिजाई, आलू, सब्जियों के लिए 12-32-16 खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार पहले के मुकाबले करीब 1000 टन खाद अधिक आएंगी। आने वाले दिनों में गेहूं की बिजाई के सीजन को देखते हुए इफको ने इस बार खाद की अधिक डिमांड भेजी है। सोमवार को खाद की खेप प्रदेश भर में इफको के गोदामों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा जैसे जिलों में कमी की पर्याप्त मात्रा होने पर अक्टूबर माह में इसे दिया जाएगा। सीएम जयराम बोले, चतुर्थ श्रेणी कर्मी 60 साल में सेवानिवृत्त, 8 साल में जल रक्षक बनेंगे दैनिक भोगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्षी सदन में इच्छा मंडी के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसमें सीएम ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल निर्धारित करने, जल रक्षकों को 8 साल में दैनिक भोगी की श्रेणी में लाने पर सरकार विचार करेगी। अभी जल रक्षकों की अंशकालीन अवधि 12 साल निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी परिचालकों और कर्मचारियों की समस्या का भी जल्द समाधान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि राज्य के 1,00,000 से अधिक न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को लाभान्वित करने के साथ साथ उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने के लिए एनपीएस के योगदान को 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। चौकीवाला में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत। थाना नालागढ़ के तहत चौकीवाला में ट्रैक्टर द्वारा बाइक को टक्कर मारने से करीब 33 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोनू कुमार राय के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया है, जो कि चौकीवाला चौक पर एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार सड़क पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने उसे नालागढ़ अस्पताल पहुंचाए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पप्पू कुमार पुत्र विश्वनाथ निवासी गांव रेवती जिला बलिया उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। डीएसपी बद्री नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है और आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी के हिमाचल दौरे पर फिर मौसम का संकट, 3 दिन बारिश, मानसून में यहां सर्वाधिक वर्षा। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक मौसम साफ रहने का अनुमान है, इसके बाद 4 अक्टूबर से बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे पर इस बार फिर बारिश का खलल पड़ सकता है। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्व अनुमान के अनुसार 4 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी और वर्षा की संभावना है। उनका बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने सहित कुल्लू का दौरा तय है। इससे पूर्व मंडी दौरे पर भी उनका आने का कार्यक्रम था, जो रद्द हो गया।